झारखंड में प्राइमरी और मध्य विद्यालय में सत्र अप्रैल महीने से शुरू हो चुका है, यानी कि सत्र को शुरू हुए 4 महीने पूरे होने वाले हैं। बावजूद इसके दुमका में कई कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली किताबें नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्रों को ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि पिछले साल से झारखंड में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों की परीक्षा के प्रश्न पत्र अब स्कूल से नहीं देकर झारखंड अकेडमिक काउंसलिंग के द्वारा दी जाने लगी हैं, यानी कि मिनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए यहां के छात्रों को जो समय मिलता है उसमें से 4 महीने गुजर चुके हैं। कितनी परेशानी हो रही है किताब नहीं आने से? हम लोग को किताब मिलने से परेशानी हो रही है। हम लोग को पुराने किताब से ही पढ़ रहे हैं, अभी तो जुलाई आने लगा तभी हम लोग को किताब नहीं मिला। झारखंड में सत्ता शीर्ष पर चाहे JMM रहे, चाहे निर्दलीय, चाहे BJP, छात्रों के प्रति कभी कोई संजीदा नहीं रहा है। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की तो बात छोड़िए, वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इसके अपवाद नहीं है। झारखंड में प्राथमिक कक्षाओं के सत्र अप्रैल से प्रारंभ होते हैं, अब जुलाई समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अब तक यहाँ सभी छात्रों को किताबें नहीं मिली हैं। किताबें यहाँ 1 से लेकर 8 वर्ग तक को सरकारें मुफ्त में दिया करती हैं, लेकिन इतना समय बीतने पर भी अब तक किताबें नहीं मिली हैं। कुछ दिन पूर्व कुछ छात्रों को किताबें दी गई हैं, बाद बाकी छात्रों को फटी पुरानी किताबें देकर या भरोसा देकर बैठा दिया गया कि किताबें आएंगी तो दी जाएंगी। आखिर कब तक किताबें आएंगी? और अब यह मुख्यमंत्री ही बताएं, क्या ऐसे फटी पुरानी या बिना किताबों के ही छात्र अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे? पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।